बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ सना मुस्तफ़ा, द होम टीचर ऑफ ग्रेड वन. एंड एज यू नो दिस इज द कोविड-19 सिचुएशन इज ऑन द पीक, सो वी आर कमिंग बैक टू आवर वीडियो लिंक क्लासेस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इंग्लिश सब्जेक्ट डेट 26/7/2021 एंड वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 1 द अल्फाबेट राइम पेज नंबर 1. सो प्लीज ओपन पेज नंबर 1. ए बी सी डी ई. Eating apples is good for me. I'm repeating again. A, B, C, D, E. Eating apples is good for me. Okay, what's the meaning of this? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? Eating apples is good for me. Apple खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है. हम सब जानते हैं कि fruits जो हैं हमारी health के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं? Apple के बारे में बता रहे हैं कि apple खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है. F, G, H, I, J. I can eat one every day. F, G, H, I, J. I can eat one every day. अच्छा, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मैं रोज़ एक खा सकती हूँ. अब ये एक खाने से क्या होगा कि आपके हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ेगा और आप खा के देखेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी होता है. ठीक है, तो क्या बता रही हैं कि I can eat one every day. वो अपना बता रही हैं. K, L, M, N, O. I want to know where apples grow. K, L, M, N, O. I want to know where apples grow. अच्छा, यहाँ पे अब वो एक क्वेश्चन पूछ रही है हमसे कि मैं जानना चाहती हूँ where apples grow, कि apples grow कहाँ करते हैं, कहाँ पे उगते हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि apples कहाँ पे उगते हैं. P, Q, R, S, T. Apples are very tasty. P, Q, R, S, T. Apples are very tasty. अब यहाँ पे वो टेस्ट का बता रही है कि एप्पल कैसे होते हैं. बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं. U, V, W, X, Y, Z. Eating apples is good for me. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एप्पल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. तो यहाँ पे आपको वही बात बताई जा रही है कि एप्पल खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है. अच्छा, ये आपकी इस पोएम की रीडिंग थी. अब हम जो है वो काम की तरफ बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, ईटिंग. नंबर 2, एवरी डे. ओके, एम जो है मैं आपको जो है इसकी स्पेलिंग भी पढ़ के बता देती हूँ. नंबर 1 पे लिखा हुआ है ईटिंग, ई ए टी आई एन जी. नंबर 2 पे लिखा हुआ है एवरी डे, ई वी ई आर वाई एवरी डी ए वाई डे, एवरी डे. नंबर 3, ईटिंग, ई ए टी आई एन जी. नंबर 4, टेस्टी, टी ए एस टी वाई, टेस्टी. नंबर 5, ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद वर्ड मीनिंग्स ऑन द नेक्स्ट पेज. वर्ड मीनिंग एंड नंबर 1 इज ईटिंग. ईटिंग माने खाना, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग. खाना, का फे अलिफ खा, नून अलिफ ना, खाना. नंबर 2 इज एवरी डे, ई वी ई आर वाई एवरी डी ए वाई डे, एवरी डे. हे रे हर रे वाओ जे रोज, हर रोज. नंबर 3, वांट, डब्ल्यू ए एन टी, वांट. एंड द मीनिंग इज चाहना, जे अलिफ जा हे नून अलिफ ना, चाहना. नंबर 4, टेस्टी, टी ए एस टी वाई टी, टेस्टी. मीनिंग है मज़ेदार, मीम जे ये जे दार अलिफ दार ए दार, मज़ेदार. नंबर 5, ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो. ग्रो की मीनिंग है बढ़ना, बेड़े बढ़ नून अलिफ ना, बढ़ना. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 2, कॉम्प्रीहेंशन फोकस. से अलाउड द साउंड ऑफ ईच लेटर एंड मैच विद द रिलेटेड ऑब्जेक्ट. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और कुछ पिक्चर्स हैं. हमें क्या बोल रहे हैं कि आपने इनको क्या करना है, रीड करना है लाउड साउंड में, और पिक्चर्स को कंसंट्रेट करना है कि कौन से लेटर को हमने कौन सी पिक्चर के साथ मैच करना है. वो मैच हम कैसे करेंगे, हम इनके जो है वो नेम लेंगे, फिर जो नेम जिस लेटर से स्टार्ट होता है, जिसकी साउंड से स्टार्ट होता है, हम उसको उससे मैच कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए, एंड ए फॉर एप्पल. सो वी हैव टू मैच ए विद द पिक्चर ऑफ एप्पल. नंबर बी, नंबर 2 पे है बी. बी को हमने बर्ड के साथ मैच किया हुआ है क्योंकि बी फॉर बर्ड, बर्ड में बी की साउंड आती है. नंबर सी, सी को हमने कैरेट से मैच किया हुआ है, कैरेट, कैरेट में सी की साउंड आती है. ओके, नाउ डी, डी को हमने डोर से मैच किया है, डी फॉर डोर. एफ फॉर फ्रॉग, सेम एज जी फॉर गावा. एच फॉर हाउस एंड जे फॉर जग. के फॉर कैंगरू. एल फॉर लॉलीपॉप.
for moon. Okay, now the next line. N for nose, O for orange, P for Q for R for rabbit, S for snack, P for princess, U for umbrella, V for van, W for watch, okay, K for Y for yogurt and Z for zip. आपने क्या करना है, स्केल उठाना है, पेंसिल उठानी है, ठीक है, और फिर बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसको रीड करना है और इनके नेम्स को देखना है कि कौन सी पिक्चर कहाँ पे बनी हुई है. स्ट्रेट लाइन लगाते हुए लेटर्स को उस पिक्चर के साथ मैच कर देना है. अगर आप मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, जहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा हुआ है. क्वेश्चन ए, व्हाट कम्स बिफोर द लेटर के. अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे, अल्फाबेट्स का जिक्र है यहाँ पे, ठीक है. जितनी भी एक्सरसाइज है अल्फाबेट पे डिपेंड करती है. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि के से पहले क्या आता है, तो के से पहले क्या आता है, जे. तो हम यहाँ पे सिंपल मेंशन कर देंगे कि कैसे पहले जे आता है, सिंपली इन स्मॉल लेटर जे. अगर आप बी, व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर एच. अच्छा, ऊपर वर्ड था बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो इसलिए हम कैसे पहले वाला लेटर लगा रहे हैं. अब नीचे क्या है, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो हैच के बाद में लेटर आता है, ठीक है. नाउ सी, व्हाट कम्स बिफोर द लेटर सी. अच्छा, अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट बिफोर, ठीक है. यहाँ पे कौन सा जो है वो वर्ड आ रहा है, बिफोर. बिफोर का मतलब होता है कि पहले, तो हमने क्या लगाना है कि सी से पहले क्या आता है. तो सी से पहले बी आता है, ठीक है. यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन हमने बी क्यों लिखा है कि हमसे ये पूछ रहे हैं कि सी से पहले क्या आता है. तो एग्जैक्ट सी से पहले जो आता है वो लेटर बी होता है. नाउ डी, व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर एन. अब दोबारा आफ्टर आ गया हमारे पास कि एन के बाद क्या आता है, तो एन के बाद, एन के बाद ओ आता है. E, what comes between the letters E and H? अच्छा, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि E और H के बीच में, between का मतलब होता है बीच में, ठीक है. तो E और H के बीच में क्या आता है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि E के बाद F, G आता है, फिर H आता है. तो इसका मतलब E और H के बीच में आते हैं F और G. Okay, now moving on to the exercise B, arrange the given words in alphabetical order. Okay. We are giving some words और हमें बोल क्या रहे हैं कि इनको आप अरेंज करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ए बी सी डी, इसी तरीके से इन अल्फाबेट्स को नज़र में रखते हुए हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को अरेंज करना है. जो लेटर सबसे पहले आता है उस लेटर के वर्ड को हम पहले रखेंगे. ऑन द सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, जो लेटर सेकेंड पे आते हैं उसको हम नंबर 2 पे रखेंगे, फिर नंबर 3, 4 मूविंग एस सेम. Now number 1, A-double-P-L-E, apple. Number 2, B-O-Y, boy. Number 3, C-L-O-U-D-S, clouds. Number 4, G-I-R-L, girl. Number 5, T-R-double-E, tree. अच्छा, ये क्या था, ये words आपको ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है. एक लाइन में तमाम ये words है, word bank दिए हुए हैं आपके पास. आपने just इनको ऊपर से copy करना है, और copy किस तरीके से करना है कि इनको arrange करना है number wise alphabetical order. Okay, now moving on to the next page. Here is grammar focus, page number 4. Grammar focus. अपनी grammar, अब जो है वो थोड़ा सा grammar की तरफ आ जाते हैं. We use a with all the consonants. Consonants are the L letters other than the vowels. And vowels are A, E, I, O, U. There are 21 consonants. अच्छा, यहाँ पे जिक्र हो रहा है A और N का. A और N. हमारे articles आते हैं. एक आता है A, एक आता है N. कुछ words के साथ हम A लगाते हैं और कुछ words के साथ हम N लगाते हैं. ये difference क्यों आता है? हम क्या सोच के अ लगाते हैं और क्या सोच के एन लगाते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की जा रही है. वी यूज़ अ विद ऑल द कॉन्सनेंट्स. हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक होते हैं हमारे पास कॉन्सनेंट्स और दूसरा होते हैं हमारे पास वॉवल्स. देयर आर 21 कॉन्सनेंट्स एंड देयर आर ओनली 5 वॉवल्स, ठीक है. हमारे पास 21 कॉन्सनेंट्स होते हैं, उनमें से जो हमारे पास 5 लेटर्स रह जाते हैं वो हमारे पास वॉवल्स में आते हैं. तो कॉन्सनेंट्स के साथ हमेशा हम लगाते हैं अ, और वॉवल्स के साथ हमेशा हम लगाते हैं एन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नीचे आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इनको डिस्कस करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नंबर 1 इज हमारे पास पिक्चर है ट्री की, ठीक है. अब ट्री का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट.
ट्री ट्री का जो फर्स्ट लेटर है वो टी, और टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है. सो वी हैव टू पुट हेयर अ बिकॉज देयर इज अ कॉन्सोनेंट. ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, अ लगता है. तो ट्री का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने ट्री के साथ क्या लगाया, अ. ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज बॉय. बॉय लिखा हुआ है एंड द बी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी अ वाई बॉय. हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर को देखना है, बाकी लेटर्स पे हमें ध्यान नहीं देना है. जब हमें अ और एन का यूज करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को फोकस करेंगे और उसी को देखते हुए अ या एन लगाएंगे. सो वी हैव टू ऑल्सो पुट हियर अ बिकॉज बी इज अ कॉन्सोनेंट. अगर आप पिक्चर नंबर 3 एंड देयर इज अ गर्ल. ठीक है, अ गर्ल, देखिए मैंने क्या बोला है, अ गर्ल. अब यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे गर्ल के साथ भी मैं क्या लगा रही हूँ, अ. अगर आप पिक्चर नंबर 4 फ्लावर, यहाँ पे क्या है, फूल है मेरे पास, और फूल को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं फ्लावर. फ्लावर का जो फर्स्ट लेटर है वो है एफ. अब एफ भी कॉन्सोनेंट है, उसके साथ भी हमने क्या लगाया, अ. ओके, द लास्ट वन इज सन, एस यू एंड सन. सन का फर्स्ट लेटर है एस, और एस इज ऑल्सो इज कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ भी मैं लगा रही हूँ अ. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज, हमारे नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट पिक्चर आ रही है एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, एंड द फर्स्ट लेटर इज ए. अब ए हमारा आ जाता है वॉवल्स में. आप अगर वॉवल्स पे फोकस करेंगे तो हमारा जो वॉवल्स में फर्स्ट लेटर आ रहा है वो ए है. ठीक है, तो ए हमारा वॉवल है, तो हमेशा हम वॉवल के साथ क्या लगाएंगे, ए एन 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 एप्पल. हम कभी भी अ एप्पल नहीं बोलेंगे बिकॉज कभी भी वॉवल के साथ हम अ नहीं यूज करते. ओके, द नेक्स्ट पिक्चर इज एलिफेंट. एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो भी ई है. ई क्या है, वॉवल है. अगर आपको जो है वॉवल और कॉन्सोनेंट को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, तो ऊपर हमारे पास जो है वो ऑलरेडी मेंशन है कि हमारे पास वॉवल्स कौन से होते हैं, तो आप वॉवल्स इनको देखते हुए बाकी तमाम हमारे पास जितने भी लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो एलिफेंट का ई भी हमारे पास क्या है, एक वॉवल है, तो वॉवल के साथ हम क्या लगाएंगे, ए एन 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 एलिफेंट. एंड इंकपोट, अब इंकपोट का जो आई है वो भी हमारे पास वॉवल है. सेम इज ऑलिव, ऑलिव का ओ हमारे पास जो है वो वॉवल है. सो वी हैव टू पुट हियर ए एन 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 ऑल ऑलिव, सॉरी. ओके, नाउ द लास्ट पिक्चर इज अम्ब्रेला. अब अम्ब्रेला का जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है वो है यू. यू इज ऑल्सो अ वॉवल. ठीक है, वॉवल के साथ हमने क्या लगाना है, सेम ए एन 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 अम्ब्रेला. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 5. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ और एन. जो हमने प्रीवियस पेज पे समझा था कि अ कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है, उसी से रिलेटेड ये हमारी एक एक्सरसाइज है. दिस इज डैश बैग. अब देखें यहाँ पे हमने फोकस करना है फर्स्ट लेटर पे. अगर फर्स्ट लेटर वॉवल है तो हम लगाएंगे ए एन एन. अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे लगाएंगे अ. ठीक है, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज डैश बैग. अब बैग की स्पेलिंग क्या है, बी ए जी बैग. अब बैग का फर्स्ट लेटर आता है बी, तो हमने ये देखना है कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. सो बी इज ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, अ. हमने डैश में क्या पुट करना है, अ, सिंपल ए. नाउ द टू इज आई एम ईटिंग डैश एप्पल. अब एप्पल की स्पेलिंग है ए डबल पी एल ई एप्पल, और द फर्स्ट लेटर इज ए. अब ए क्या है हमारे पास, वॉवल है. सो वी हैव टू पुट हेयर ए एन एन. एप्पल के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि एप्पल का फर्स्ट लेटर वॉवल है. नंबर 3 इज दिस इज डैश येलो बलून. अब देखें यहाँ पे बलून की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे अ लगा रहे हैं. ठीक है, येलो का भी वाई कॉन्सोनेंट है, बलून का भी बी कॉन्सोनेंट है. ठीक, तो कॉन्सोनेंट के साथ हमने क्या लगाया, अ. आई कैन सी डैश एलिफेंट. अब हमने ये प्रीवियस पेज पे भी पढ़ा था, एलिफेंट का ई क्या है, वॉवल है. तो वॉवल के साथ हमने क्या लगाना है, ए एन एन. बहुत सिंपल है, जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट नजर आता है फर्स्ट लेटर, वहाँ पे आप ए लगा दें, और जहाँ पे आपको फर्स्ट लेटर वॉवल नजर आता है वहाँ पे आप ए एन एन पुट कर दें. अगर आप मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज राइटिंग फोकस सेंटेंस बिल्डिंग. यहाँ पे आपको क्या सिखाया जा रहा है, सेंटेंस हमने कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, कहाँ पे हमने जो है वो कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है, हम यहाँ पे यही चीज़ें जो है वो सीखेंगे. ठीक है,
ओके, सबसे पहले आपको जो है वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। अगर आप बॉक्सेस पर नजर डालेंगे तो बॉक्स नंबर वन में लिखा हुआ है अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जब हम लिखने बैठते हैं, कोई सा भी हो, आपके बुक का कोई सेंटेंस है, बुक से रिलेटेड है, कुछ और आप लिख रहे हो, एनीथिंग, आप उसमें क्या करेंगे, हमेशा जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ओके, द अदर थिंग इज अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हमने सेंटेंस एंड कर दिया, खत्म हो गया, हमने पूरा लिख लिया, बात हमारी खत्म हो गई। अब हमने इसको क्या करना है, हमने कैसे पता चले कि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, सो वी हैव टू पुट हेयर एट द एंड फुल स्टॉप। एक डॉट लगाते हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सेंटेंस यहाँ पे एंड हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, वैसे तो हमें पढ़ने से पता चल जाता है, लेकिन ये फुल स्टॉप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पढ़े बगैर ही हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फुल स्टॉप पे आके ख़त्म हो गया। ओके, नाउ ए, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन दी हुई है इसमें ना तो कोई फुल स्टॉप है, इसमें ना तो कोई कैपिटल लेटर है। ठीक है, यहाँ पे तमाम वर्ड्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं और कोई फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ, तो हमें कैसे पता चले कि ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, बात कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने इसमें करेक्शंस करनी है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हाइल यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। आपने क्या करना है, इसमें कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं और फुल स्टॉप यूज करने हैं। ठीक है, ए, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, हमने क्या करना है, आई को जो है वो कैपिटल करके लिखना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही एज इट इज़ हम मेंशन करेंगे नीचे, एम 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दैट्स इट। उसके बाद अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमारी बात खत्म हो गई, हमने एंड में फुल स्टॉप लगा दिया, एक सिंपल सा डॉट लगा देंगे छोटा सा जिसको हम फुल स्टॉप कह रहे हैं। ओके, बी, शी इज ईटिंग एन एप्पल। अब देखिए शी का भी जो शी हमारा फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, लेकिन वो स्मॉल में लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, शी का जो एस है फर्स्ट लेटर उसको हमने कैपिटल करके लिखना है। शी, हमने शी का एस कैपिटल किया, बाकी सब हमने एज इट इज वैसे ही लिखा, एंड में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सो वी हैव टू पुट हेयर फुल स्टॉप। अब हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया और प्रॉपर तरीके से हो गया। नाउ सी, द कैट इज ऑन द मैट। अब देखिए इसने भी तमाम वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, तो हमने इसको भी पंक्चुएट करना है, टी को हम कैपिटल करके लिखेंगे, बाकी एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे और एट द एंड हम फुल स्टॉप लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। डी, यू आर अ गुड गर्ल। देखिए ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, Y, यू का जो Y है उसको हम कैपिटल करके लिखेंगे और गर्ल जहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, गर्ल के बाद हम एक छोटा सा फुल स्टॉप डाल देंगे, एक डॉट डाल देंगे। E, अहमद लाइक्स टू प्ले विद टॉयज। अहमद लाइक्स टू प्ले विद टॉयज, अब इसमें अहमद से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अहमद का A हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे और उसके एंड में मतलब कि टॉयज के बाद हम फुल स्टॉप एक डॉट लगा देंगे, दैट्स इट। ओके, मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 6, राइट योर फुल नेम बिगिन इट विद अ कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपने अपना नाम लिखना है और उसको स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से। यहाँ पे मैंने अपना नाम मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आपने इसको नहीं लिखना है, ये मेरा नाम है, आप सबने अपना नाम लिखना है, बट लिखना कैसे है, यू हैव टू स्टार्ट इट विद कैपिटल लेटर। आपने लिखना है स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज हमजा, योर नेम इज सायरा, तो आपने क्या करना है, हमजा का एच कैपिटल लिखना है, आपने सायरा का एस कैपिटल लिखना है, आपने इट मीन्स कि अपना नाम स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से। जैसे आपको नजर आ रहा है मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, मेरे नाम का सना का जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, तो मैंने एस को कैपिटल लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड स्टेप में मैंने अपना कंप्लीट नेम लिखा हुआ है, तो सना मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का एम मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों नेम्स में अपना फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है, लिखना है। ओके, नाउ फॉर नाइन, सॉल्व द रिडल एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पहेली समझ लें या जो भी, एक आप तीन आपने लाइंस दी हुई हैं, आपने इनको बहुत गौर से पढ़ना है या अपने पेरेंट्स से इनको सुनना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने पिक्चर्स आपको ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आपने क्या करना है, बहुत प्यारी सी पिक्चर्स अपने बुक में बनानी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है और उनमें कलर्स करने. ओके, द नंबर वन इज आई एम स्वीट एंड ब्रेड, आई एम गुड टू ईट, व्हाट एम आई. अच्छा, पहली लाइन क्या थी, आई एम स्वीट एंड ब्रेड, मैं बहुत मीठा और रेड लाल कलर का हूँ, रेड हूँ. आई एम गुड टू ईट, मैं खाने में बहुत अच्छा हूँ, या आपके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, व्हाट एम आई. अब वो पूछ रहा है मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, आपने सॉल्व करना है और जो भी आपका आंसर हो यू हैव टू राइट इट ऑन द लाइन गिविंग ऑन द व्हाट एम आई. ओके, अच्छा, ऑन नंबर टू आई एम टॉल एंड ग्रीन. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, आई एम टॉल एंड ग्रीन, मैं क्या हूँ, लंबा हूँ और ग्रीन हरे कलर का हूँ. आई एम इन अ पार्क, मैं कहाँ होता हूँ, पार्क में होता हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ. अब वो बता रहा है मैं लंबा सा होता हूँ, हरे कलर का होता हूँ और मैं पार्क में पाया जाता हूँ. ठीक है, पार्क सब जाते हैं, बहुत अच्छे से सबको पता है कि लंबी सी चीज़ क्या होती है, हरे कलर की चीज़ कौन सी होती है और पार्क में क्या होती है, बहुत सिंपल है. व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्री, टी आर डबल ई ट्री. यहाँ पे आपने मेंशन करना है ट्री और सामने जो बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे आपने ट्री की पिक्चर बनानी है और उसमें अच्छा सा कलर करना है. ओके, ऑन द नंबर थ्री आई एम राउंड एंड येलो, मैं राउंड गोल होता हूँ और येलो कलर का होता हूँ. आई एम इन द स्काई, मैं कहाँ होता हूँ, मैं आसमान में होता हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ. दिस इज अ सन, ऑब्वियसली दिस इज अ सन, आसमान में सन होता है और आसमान में चांद भी होता है, लेकिन येलो कलर का हमारे पास सन ही होता है. तो आपने यहाँ पे सन लिखना है और सन की पिक्चर बनानी है. ओके, दैट्स इट, काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 31/7/2021. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.